तो दोस्तों आज लेकर के आया हूं मैं आपके लिए साइंस से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके। जी हाँ, इसमें वैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करके मैं लाया हूं जो टेक्नीशियन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आता हूं, तो दोस्त आज भी मैं 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आया हूं जो 23वां सेट है। जो लोग पुराने हैं, जो लोग वीडियो रेगुलर देखते हैं, खैर उनको तो पता ही है कि मैं डेली चैप्टर वाइज 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आता हूं। उनमें जो क्वेश्चन होती है दोस्त, टेक्नीशियन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला होता है जो टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी मैं कुछ उनको नोटिस कर देता हूं जो लोग नए हैं इस चैनल पे। जो लोग रेगुलर देखते हैं उन्हें तो खैर पता ही है कि कितना क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि दोस्तों इसमें क्या है कि डेली आपको 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच वीडियो आपको मिलेगी 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट, वो भी चैप्टर वाइज। जी हाँ दोस्तों, इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, साथ ही दोस्त बिल्कुल फ्री, निशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता, उसका मॉक टेस्ट कराया जाता है। जी हाँ, और आपको स्कोर कार्ड इसी स्क्रीन पे दिखाएंगे और टेलीग्राम पे इसका स्कोर कार्ड साथ ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो भी पढ़ाएंगे उसका आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो दोस्त अगर आप अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और लगता है आपको कि नहीं, वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब किया जाए, तो दोस्त पहले वीडियो देख लीजिए, लगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है चैनल तो दोस्त चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं उससे शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्त अभी क्या है कि ये कंकाल तंत्र चल रहा है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूं मैं 20 क्वेश्चन। जैसा कि पता है कि कंकाल तंत्र थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन उसमें मात्र मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट किया हूं जो आने की संभावना बहुत ज्यादा है एग्जाम में। ठीक है, इससे ये कंकाल तंत्र किसमें आता है, मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी में आता है। उसमें मैंने आपको किस किस से दे दिया है क्वेश्चन दोस्त, उसमें मैंने आपसे आपको जो दे दिया है वो श्वसन तंत्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है, पाचन तंत्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है, उत्सर्जन तंत्र से दे दिया है, जो पिछला क्लास था उत्सर्जन तंत्र का था। और इसमें अब क्या है कि ये कंकाल तंत्र है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी डाला हुआ है। जी हाँ दोस्त, तो क्या कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जो लोग अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं वो फटाफट जाकर के मॉक टेस्ट दे लीजिए, क्योंकि आज लिंक डीएक्टिव करके एक नया लिंक जनरेट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्त, तो फटाफट जो लोग मॉक टेस्ट नहीं दिए मॉक टेस्ट दे लीजिए फटाफट जल्दी। और हाँ, फिजिक्स का जो लोग मांग रहे थे आप पीडीएफ की पीडीएफ दीजिए दोस्त, फिजिक्स का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलना शुरू हो गया। जैसा कि पिछले दिन की बात मैं करता हूं, तो पिछले दिन मैंने सेट 1 और 2 का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया है। उसी तरह से अब क्या होगा कि 1x1 करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड टेलीग्राम पे कराता चलूंगा। एक 40 सेट जो मैंने पढ़ा दिया वो 40 सेट एक बार देना पॉसिबल नहीं है, जिसमें 800 क्वेश्चन थे। जी हाँ, जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि फिजिक्स मैंने पढ़ा दिया है, 800 क्वेश्चन दे दिया है, उसका अब टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कराने लगा हूं। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, पता लग जाएगा आपको कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है। तो चलिए इसमें हम आपको दिखाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। हम इजी से ही शुरू किए, लेकिन ध्यान रखिए कोई भी घाव छोटा नहीं होता है, जख्म तो गहरा दे के जाता है, वही बात है इसमें, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका कि मानव की शरीर जो होती है वो सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बताना है कि कौन सी होती है। जी हाँ, कई बार एग्जाम में ये पूछ दिया है और इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है इसको, तो ध्यान रखिए। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 में आपको दे दिया है कि जन्मोस्थि होगा या टिबिया होगा, या 3rd नंबर आपको दे दिया है कि उरोस्थि होगा, या 4th दे दिया है कि जांघ की हड्डी होगा। जो लोग पढ़े होंगे वो ऐसे मार देंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं दोस्त उसे भी हम बता देंगे, और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको हम पॉइंट बताएंगे। देखिए, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है ना दोस्त, वो जांघ की हड्डी होती है। ठीक है,
कभी कभी आपको हड्डी का नाम ही पूछ लेगा कि मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, नाम भी पूछ देगा या ये तो जगह पूछ दिया कि कहां पे पाया जाता है या सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि जांघ की हड्डी जो होती है वो सबसे लंबी होती है। अब ध्यान रखिएगा, जांघ की जो सबसे लंबी हड्डी होती है ये जांघ की सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं कि फीमर कहते हैं, क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। जांघ की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, ध्यान रखिएगा इस तरह से। उसके बाद जो पॉइंट पूछे जाते हैं वो आपको हम पॉइंट बता देते हैं, ऊपर ध्यान दीजिएगा। पॉइंट इसमें पूछा जाता है, कभी कभी ये दे देता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। जहां सबसे बड़ी तो आप समझ गए कि जांघ की हड्डी जो है ये होता है फीमर, जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी पूछी जाती है, तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की होती है, जो स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा गया है ये सवाल, कई बार पूछे जाने की भी संभावना है। उसके बाद कभी कभी आपको दे देता है कि सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे कठोर हड्डी और सबसे कठोर भाग, दोनों में अंतर है। सबसे कठोर अगर हड्डी का है तो पैर की हड्डी होती है, जो टीबिया नामक जो हड्डी होती है वो सबसे कठोर होती है, ध्यान रखिएगा, पैर में होती है। और अगर कह दे आपको कि मानव शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, दोस्त अगर भाग कहेगा तो दांत होता है, दांत में एनामिल भाग होता है जो सबसे कठोर होता है। कई बार पूछा गया है, देख लीजिए, कई बार पूछा गया है, ये पूछा जाता है ये। तो सबसे कठोर भाग का है तो दांत का एनामिल मारेंगे, और सबसे कठोर अगर हड्डी कहेगा तो वो जान लीजिए टांग की हड्डी जो होती है, टीबिया नामक जो पाया जाता है वही सबसे कठोर होता है। तो इस तरह से पूछा जाता है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे यही पूछा जा सकता है, इसे ज्यादा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरा से जुड़ी नहीं होती है। जी हाँ, दो सिरा से जुड़ी नहीं होती है। मानव शरीर में एकमात्र वह पेशी उत्तक, पेशी अंग कह सकते हैं कि होता है, वो कौन सा होता है जो दो सिरा से जुड़ा नहीं होता, पूछा गया है जेई के एग्जाम में, पूछ दिया दोस्त क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, इसमें ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि त्रिशीरक होता है या दुई सिरक्स होता है, या तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि जीभ होता है, या चौथा आपको दे दिया है कि अभिवर्तनी होता है। दोस्त होता क्या है, जो क्या होता है, दूसरे सिर से जुड़ी नहीं होती है, मात्र पेशी उत्पीय पेशी अंग होता है अपने शरीर में। तो ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, जीभ, जीभ क्या होता है कि पूरे शरीर में, मानव के पूरे शरीर में एकमात्र यही एक जीभ है जो क्या होता है कि दो सिरों से जुड़ा नहीं होता है, ठीक है, दो सिरों से जुड़ा नहीं होता है। मतलब जितने भी शरीर के अंग देखिएगा वो किसी न किसी सिरे से क्या होता है कि आपस में जुड़े होते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है। जी हाँ, सबसे बड़ी संधि, संधि मतलब क्या, जोर, सबसे बड़ी जोर कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी जोर कहाँ होगा, जहां सबसे दो बड़ी हड्डी आपस में मिलेगी वही सबसे बड़ी जोर होगी। तो सबसे बड़ी हड्डी आपको पता है कि कहां पे होती है, जांघ में होती है। लेकिन अब इसमें ऑप्शन देखना है, ऑप्शन को समझ के मारना है, ऑप्शन देख करके कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए देख लीजिए ऑप्शन, इसमें पहला ऑप्शन देख लीजिए, दे दिया है कि स्कंद संधि होती है, या ग्रीवा संधि होती है, या इसमें जानु संधि होता है, या इसमें श्रेणी संधि होता है। दोस्त होता क्या है, अब मैंने जो इंडिकेट आपको किया है, मैंने जो आपको सिग्नल दिया है, उससे आप पकड़ लिए होइएगा कि सबसे बड़ी संधि कहां होगा। तो सबसे बड़ी हड्डी कहां होता है, पैर में होता है, पैर में होता है। तो स्वाभाविक है कि पैर में ही क्या होगा कि वह सबसे बड़ी संधि होगी, लेकिन नाम बताना है। इसमें हम तो जान गए कि पैर की होती है, लेकिन नाम बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये नाम जो होगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन जानु संधि होगा। जानु संधि को मतलब समझिए, अंग्रेजी में अगर आपको कहेंगे तो अंग्रेजी में तुरंत मार दीजिएगा कि अरे ये है नी, नी ज्वाइंट, नी ज्वाइंट मतलब केवनी वाला, घुटने वाला जो ज्वाइंट होता है उसको नी ज्वाइंट कहते हैं। दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए, ये क्या है कि आपका घुटना का जो जोर होता है दोस्त, पूरे शरीर के सबसे बड़ी संधि जोर होता है यहाँ पे, ये सबसे बड़ी हड्डी यहाँ पे जुड़ता भी है। तो स्वाभाविक है कि सबसे बड़ी जोर ये घुटने वाली होगी ही, ठीक है। तो ये चीजें है, इंपॉर्टेंट है, समझना है हमको सिर्फ कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद तो गर्दा छोड़ा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि किस
जंगम दे दिया है। हाँ अच्छा, जंगम जोर, जंगम जोर कहने का मतलब क्या होता है कि मूवेबल ज्वाइंट। देख लीजिए इंग्लिश में भी दे दिया है कि मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है, कि दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाली स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है। समझिए क्वेश्चन, समझिए कि किसी जंगम जोर, किसी जंगम जोर मतलब मूवेबल प्वाइंट जो होती है, तो दो हड्डी के बीच जो है पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप साइकिल ले लीजिए, साइकिल में अगर कहीं पे ज्वाइंट होता है, पहिया, पहिया को जोड़ते हैं, पहिया जो चलती है तो उस पे जो है एक पहिया दूसरे पहिये पे चलती है, तो चलने के लिए उसमें क्या स्नेहक डालते हैं, डालते हैं ना ग्रीस तेल, ये डालते हैं ताकि क्या हो, आसानी से मूव हो, स्मूथली मूव हो, घर्षण न करे, ठीक है। उसी तरह से शरीर में जहां जहां ज्वाइंट होता है ना दोस्त, जहां जहां ज्वाइंट होता है वहां पे क्या होता है कि स्नेहक पदार्थ होता है, जो क्या होता है कि इसको आराम से मूव कराने में मदद करता है, चाहे ये फिंगर हो चाहे कोई भी हो, जहां भी ज्वाइंट होता है वहां पे वो स्नेहक पदार्थ पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तभी हम आसानी से क्या करते हैं कि मूव कर पाते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, जहां जहां ज्वाइंट होता है उसको, तो उस जगह पे जो द्रव पाया जाता है उस द्रव को क्या कहते हैं, ध्यान रखिए, उस द्रव को जो कहते हैं ना, ये फर्स्ट नंबर आप देख लीजिए ऑप्शन, ये साइनोविल द्रव कहते हैं, क्या कहते हैं, साइनोविल द्रव कहते हैं, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन होगा। कैसा होता है, किस तरह का होता है, देख लीजिए, आपको हम बता देते हैं। देख लीजिए ये ज्वाइंट है, ठीक है, ये ज्वाइंट के बीच जो आप द्रव देख रहे हैं यही द्रव क्या होता है कि साइनोविल द्रव होता है, ठीक है। पूछा जाता है जो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है क्वेश्चन, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये साइनोविल द्रव पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है कि स्मूथली हम मूव कर पाते हैं ना, तो कराक कराक उड़ता, घर्षण यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, तो घर्षण को कम करता है ये ग्रीस तेल, पानी का काम यही द्रव करता है, ठीक है, ग्रीस का तेल का यही काम करता है, स्नेहक के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये चीज है इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया है कि नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है, कई बार पूछा गया है ये, जब जब एग्जाम हुआ है लगभग उठा के डाल दिया, हो सकता है कि आपको आने की संभावना हो। तो वैसे आप लोग जानते ही होइएगा कि एक नवजात जो होता है, बच्चा जो होता है, उसके शरीर में कितने हड्डी होते हैं। देख लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 200 हड्डियां, 225 हड्डियां, 300 हड्डियां या आपको 250 हड्डी, कितने हड्डी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चे के जो शरीर में हड्डी होती है वो लगभग होते हैं 300, ठीक है, 300 हड्डी होते हैं। ऐसे 275 से लेकर के 350 तक अनुमानता कहा जाता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना हड्डी होता है, लगभग होता है। तो हम लोग उसके बीच के रेशियो को जो देखते हैं ऑप्शन वो मार देंगे, कभी आपको ये नहीं देगा कि 300, 325 या 280, 290, ये कभी ऑप्शन नहीं देगा, एग्जैक्ट नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। तो ये लगभग जो होता है कितना होता है, 300 हड्डी होती है, ध्यान रखिए। बच्चे, वही बच्चे जब धीरे धीरे सयान होते हैं, बड़े होते हैं, तब उनके बहुत सारे हड्डी आपस में जुड़ करके बड़े बड़े हड्डी बन जाते हैं। बनने के बाद यही 300 हड्डी क्या होती है कि जा करके जो है 206 हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये व्यस्क जो मानव जो कहेगा कि व्यस्क मानव में कितने हड्डी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 206 हड्डी होते हैं, ये एग्जैक्ट बोला गया है। तो देख लीजिए इसमें ये पॉइंट है, इस पॉइंट को देख लीजिए, नवजात शिशु में लगभग जो है आपको 300 हड्डी है और व्यस्क मनुष्य में जो है 206 हड्डी है, पूछा गया है कई बार ये पॉइंट जो है, सो ध्यान रखिएगा। उसके बाद समझ लीजिए इस चीज में कि आप तो ये जानते हैं कि सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होता है, कान में होता है, सबसे बड़ी हड्डी तो अपनी टांग में होता है, जांग में होता है, तो ये पूछा जाता है। तो अब ये पॉइंट अब थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ये पॉइंट को लिगामेंट या स्नायु या स्नायु बद्ध भी दे देगा आपको, वो क्या काम करता है ध्यान रखिएगा, वो हड्डी को जोड़ने का काम करता है, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है उसको लिगामेंट या स्नायु बद्ध कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा जा चुका है, ये पूछे जाने की संभावना है, कंफ्यूज मत होइएगा, लिगामेंट स्नायु या स्नायु बद्ध दे देगा, हिंदी इंग्लिश दोनों दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हड्डी को जोड़ने का काम ये करता है। उसके बाद कभी कभी आपको दे देता है कि हड्डी को मांसपेशियों से या मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, तो वो करता है टेंडन यानी कंडरा करता है, ठीक है, ये कई बार ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो दोस्त ये पॉइंट हड्डियों से रिलेटेड है, बहुत हाईलाइटेड है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए इग्नोर मत कीजिएगा, नोट करते चलिएगा, पीडीएफ एक आध दो दिन में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो ही जाएगी, ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मनुष्य के बौनापन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी होता है, ठीक है, मनुष्य जो बहुत छोटे हो जाते हैं
उनके उत्तरदायी कौन सा, उसमें कौन सा हार्मोन ऐसा होता है जिसके कारण क्या होता है कि मनुष्य छोटा हो जाता है, बौना हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, थायरोक्सिन की वजह से हो सकता है, या एड्रिनल की वजह से, या आपको पीयूष ग्रंथि की वजह से, या चौथा आपको दे दिया अग्नाशय की वजह से। दोस्त किसके वजह से मनुष्य जो होता है वो बौना हो जाता है, ध्यान रखिएगा, बौना होने का सबसे प्रमुख कारण ये है, थर्ड नंबर पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती है, जिसके जिसमें क्या होता है कि हार्मोन अस्त्रावित होती है, जो मांसपेशी को क्या करता है कि गठन करता है, हड्डियों को घनत्व का क्या करता है कि हड्डियों को बढ़ने में मुश्किलें पैदा कर देती है, जिसके कारण हड्डी का विकास नहीं हो पाता है और मांस क्या होता है गठीला होने लगता है, यही से पीयूष हार्मोन ग्रंथि की वजह से। ठीक है, इसमें ग्रोथ हार्मोन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा कौन सा ग्रोथ हार्मोन पाया जाता है पीयूष ग्रंथि में, वही क्या करता है कि मांसपेशियों को गठित कर देता है, हड्डी के विकास को रोक देता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये बौना हो जाता है मनुष्य, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपोर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं, जितना बता रहा है कम से कम नोट करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें अगला क्वेश्चन दे दिया कि हमारे पेशियों में किस ना अम्ल के कारण पीड़ा होता है। ठीक है, हमारे पेशियों में मांसपेशी जो होता है, मसल्स जो होते हैं, उसे कभी कभी दर्द होने लगता है, वो किस कारण से होता है ये बताना है। कई बार पूछ दिया है एग्जाम में, पूछे जाने की संभावना भी है आपको। देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया कि लैक्टिकम, दूसरा दे दिया कि सल्फ्यूरिकम, तीसरा दे दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और चौथा आपको दे दिया है इसमें एसेटिक अम्ल, किसके वजह से। तो ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल जब जमा होता है ना, तो क्या होता है कि दर्द शुरू हो जाता है। ये क्या होगा कि फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब थोड़ा समझ लीजिए, हमारे शरीर में जब लैक्टिक अम्ल कब जमा होता है, जब हम दौड़ लेते हैं या ज्यादा काम कर लेते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब हमारे शरीर में क्या होता है ना कि लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जमा होने से क्या होता है पता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल ज्यादा तेजी से जमना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा पूछा गया, या कभी कभी आपको लैक्टिक अम्ल न दे करके आपको दे देगा ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की ज्यादा, या ये कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, या कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा ये दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, लैक्टिक अम्ल अगर न दे ना, तो दोस्त ऑक्सीजन की कमी जरूर मार दीजिएगा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है लैक्टिक अम्ल भी जमा, इसी की वजह से होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया कि मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेटा निम्नलिखित में से किस भाग को कहा जाता है, या कौन सा भाग होता है वर्टिब्रेटा। ध्यान रखिए, वर्टिब्रेटा वर्ड जो होता है ना दोस्त, पक्षियों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वर्टिब्रेटा, लेकिन ये आपका मनुष्य के शरीर में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो होता है वो वर्टिब्रेटा भाग होता है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। हम तो वैसा ही क्वेश्चन लेकर के आए ही है जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, वर्टिब्रेटा कौन सा भाग होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया आप, दूसरा दे दिया है कि रीढ़ की हड्डी, तीसरा दे दिया है यकृत, चौथा आपको दे दिया है कि मस्तिष्क, कौन सा होता है भाग जो वर्टिब्रेटा होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो होगा सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन, रीढ़ की हड्डी जो दिख रहे हैं वही वर्टिब्रेटा का भाग होता है। ठीक है, तो वैसे जो है आपको क्या कहा जाता है, कभी कभी ये जो पक्षियों में पूछा जाता है ये चीज, अब समझ लीजिए, कभी कभी रीढ़ की जो हड्डी होती है ना उसको एक पॉइंट और पूछा जाता है इसमें, जो इंपॉर्टेंट है आपको दिखा देते हैं, पॉइंट को नोट कीजिएगा, यह रीढ़ की जो हड्डी होती है उसे मेरुदंड के नाम से भी जाना जाता है, मेरुदंड यानी कि बोन मैरो के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, जेई के एग्जाम में पूछ दिया है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़िएगा मत, पिछले क्लास में भी हम ये चीजें बता दिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि छाती के आसपास की जो हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं। जी हाँ, छाती के आसपास की जो हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं। पहला देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है फ्रंटल कहते हैं, दूसरा दे दिया है कि जांघ की हड्डी कहते हैं, जांघ की हड्डी तो छाती के आसपास नहीं रहता है पहला हुआ, ये तो बकवास है। हाँ, तीसरा नंबर दे दिया है कि रिप्स कहते हैं, या चौथा आपको दे दिया है इसमें कि क्या है, टखने की हड्डी दे दिया है, टखने नहीं घटने की, घुटने की हड्डी होना चाहिए, गलत है, कोई नहीं, ये तो डी नंबर है, ये तो जो है बी नंबर जो है बिल्कुल नहीं होगा, इतना तो कंफर्म हो गया। अब या तो होगा ये फ्रंट वाला होगा या रिप्स होगा। तो ध्यान रखिएगा, छाती के आसपास की जो हड्डी होती है उसको दोस्त रिप्स के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, रिप्स के नाम से, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस तरह के छाती के हड्डी होते हैं आप देख लीजिए, ये
ये होते हैं सीने के आसपास जो हड्डी देख रहे हैं फैले हुए होते हैं, इसी को रिप्स के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को रिप्स के नाम से जानते हैं। तो इंपोर्टेंट है ये, वक्ष गुहा को क्या करता है कि सुरक्षित रखने का काम करता है, ठीक है, पिंजरे की तरह बना होता है ये, देख लीजिए, जब आपका ऊपर से खोखलैया उतार देंगे ना तो अच्छे नहीं नजर आएंगे, कंकाल की तरह, चाहे हमारा भी आपका ही छोड़िए मेरा भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला दे दिया कि कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, जी हाँ हड्डियों के लिए कौन सा खनिज जो है आवश्यक होता है ये बताना है, जेई के एग्जाम में पूछ दिया है, इतना है जी, आरआरबी भी जो है गजबे है। देख लीजिए पहला दे दिया है कि जिंक, दूसरा दे दिया है सल्फेट, तीसरा दे दिया आयरन, चौथा दे दिया है कैल्शियम, कौन होता है जो हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, तो ये तो हम लोग सब जानते हैं कि कैल्शियम होते हैं, ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, कैल्शियम हड्डियों के लिए। अगर विटामिन कहता है दोस्त तो विटामिन में हम लोग जो है विटामिन डी मार देते हैं, ठीक है, हड्डियों के लिए विटामिन डी जो होता है, अगर विटामिन का नाम लेता तभी तो क्या करते हैं कि हम लोग जो है शरीर में धूप लगाते हैं कि विटामिन डी मिले, सुबह के और शाम के जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें विटामिन डी पाया जाता है, इसलिए जो है धूप सेकते हैं लोग, धूप में बैठते हैं ज्यादातर ठंड के मौसम में, क्योंकि धूप को बर्दाश्त कर लेते हैं, उस समय विटामिन डी ज्यादा हम लोग ग्रहण भी कर लेते हैं, तो ये चीज है। चलिए अभी जाइएगा विटामिन डी लेने तो आपका विटामिन कुछ और बना देगा, ठीक है, 51 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस जाता है, पानी खौलाने लगता है, बाप रे बाप, मतलब कि 100 डिग्री पर खौलता है कोई नहीं, तो फिर भी आप धूप में अगर जाइएगा, आप पानी उनी अगर रखा हो छू करके देखिएगा बहुत हीट रहता है, ठीक है, आप वैसे भी स्किन उस्किन जल जाता है बहुत, इतना टेम्परेचर अगर रहता है बाहर तो कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, जी हाँ सबसे छोटी मांसपेशी कह दिया है, सबसे छोटी अगर हड्डी कहता रहा तब स्टेपीज हम मार देते कान की हड्डी, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी मांसपेशी कह दिया है, तो मांसपेशी को चुनना है कि इसमें सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, जेई के एग्जाम में पूछ दिया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। पहला नंबर ऑप्शन दे दिया है, देख लीजिए पहला दे दिया कि अंशपेशी कहते हैं या टिबियालिसिस कहते हैं, या थर्ड नंबर दे दिया कि स्टेपीडियस कहते हैं, या चौथा दे दिया कि हृदय कहते हैं, ध्यान रखिएगा कान की हड्डी का नाम क्या था, स्टेपीस, उसी से नाम से जुड़ा हुआ है स्टेपीडियस, तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन स्टेपीडियस जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, स्टेपीडियस सबसे छोटी हड्डी, स्टेपीज सबसे छोटी मांसपेशी, स्टेपीडियस ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ जो है आपको हम पॉइंट बता देते हैं जो इससे रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है, पॉइंट क्या पूछा जाता है, पूछा यह जाता है कि मांसपेशी में कौन से दो प्रोटीन पाए जाते हैं, या मांसपेशी के जो प्रोटीन होते हैं उस प्रोटीन का नाम बताने के लिए, ये मायोसिन और जो है आपका क्या है कि एक्टिन, ये दो प्रोटीन जो है मांसपेशी में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ दिया था, कब पूछ दिया था, जेई के एग्जाम में 19 में पूछ दिया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा झिल्ली है जो हमारे मांसपेशी तंतु को जो है कवर करके रखती है, जी हाँ कौन से झिल्ली जो मांसपेशी के तंतु को कवर करके रखती है, ढक के रखती है, ये पूछ दिया है जेई के एग्जाम में पूछ दिया है, तो ध्यान रखिएगा सार्कोलेमा, सार्कोलेमा ही झिल्ली है जो मांसपेशी को कवर करके रखता है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो पॉइंट ऐसे हाईलाइटेड है जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, अगर हम आपको SSC और अदर डिपार्टमेंट का भी उठा करके ला के दिखा देते ना तो बहुत ज्यादा पूछा गया है ये चीजें, लेकिन हम सिर्फ क्या है कि वैसे क्वेश्चन आपको बता दिखा दे रहे हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं, उसी को हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, नहीं तो SSC MTS जो CGL CHSL ये सब एग्जाम, BPSC ये सब फलना चिलना एग्जाम होता है वो सबके उठा के डाल देंगे ना तो पूरा बोर्डवे भर जाएगा, समझ लीजिए इतना पूछा जाता है ये सब, तो बहुत हाईलाइटेड है, घुमा के देता है कुछ, कभी क्वेश्चन को ऑप्शन, कभी ऑप्शन को क्वेश्चन बना देता है, कंफ्यूज नहीं होना है हमको, कंसेप्ट क्लियर करके रखना है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसी कंसेप्ट को हम क्लियर करवा रहे हैं, 40 में 40 नंबर लाना है तो कंसेप्ट क्लियर करके रखिए, यहाँ पे जो बता रहे हैं कम से कम समझ लीजिए, आपको हम जितना मटेरियल प्रोवाइड करा दिए हैं या जितना करवा रहे हैं उतना अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 40 में 40 नंबर कोई नहीं छीनेगा, ध्यान रखिएगा कोई नहीं छीनेगा, आराम से ऐसे ले आइएगा। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो साइंस बजा दिया ना वो नौकरी को बजा देगा, ध्यान रखिएगा नौकरी उसके हाथ में हो जाएगा, तो साइंस कमांड रखिए, बाकी 25 नंबर रीजनिंग 25 नंबर मैथ है उसमें भी 10-10 मार दीजिएगा आराम से, 10 नंबर GK पूछ रहा है जो करेंट अफेयर्स ये सब है तो 10 है तो 4 नंबर ऐसे मार दीजिएगा, इसी आंख बंद करके तुक्का मार देते हैं लोग आ जाता है, लेकिन 40 नंबर आपका ये सबसे बड़ा हथियार है, ध्यान रखिएगा
इस हथियार के बल पे आप रिजल्ट गिरा सकते हैं, इसलिए इसे कमांड करके रखिए। ठीक है, चलिए अभी बहुत मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे हम आपको, ये तो ट्रेलर है, फिल्म पूरा बाकी है। चलिए देख लीजिए, ये क्वेश्चन दे दिया है कि मध्य कान में मौजूद तीन हड्डियां का नाम क्या है। मानव के कान में जो है बीच भाग में जो होता है वो तीन हड्डी पाया जाता है, उस तीन हड्डी का नाम बताना है कि कौन कौन सा है। आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछ दिया है, देख लीजिए आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं कौन कौन सा है। ये देख लीजिए सेकेंड नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, हैमर, एनविल और स्टीयर, ये तीन हड्डी जो होता है मध्य कान के बीच में जो होता है ये पाया जाता है, मध्य कान में तीन हड्डी ये पाया जाता है। बता देते हैं मध्य कान के हड्डी, देख लीजिए कान, यही तीन हड्डी जो दिख रहा है, नाम तीनों दिख रहा है ना, यही नाम है, तीनों हड्डी जो है पाया जाता है कान में, मध्य कान में, तो पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि मांसपेशी का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए क्या होता है कि सिकुड़ता है क्या कहलाता है। ठीक है, क्या करता है संकुचन करने के लिए वो जो है उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया है कि मायोसिन कहते हैं, या दूसरा आपको दे दिया है इसमें कि अधिपेशिका कहते हैं, या तीसरा दे दिया कि पुलिका कहते हैं, या चौथा आपको दे दिया है दोस्त कि एक्टिन कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको बता दिए हैं कि मांसपेशी में दो गो प्रोटीन पाया जाता है जिसमें एक प्रोटीन ये एक्टिन भी है, तो ये जो होगा ये मेरा फोर्थ नंबर वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यही सिकुड़ने का काम जो है करवाता है मांसपेशियों में। ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि नी कैप को क्या कहा जाता है। जी नी कैप, समझ लीजिए नी कैप को क्या कहा जाता है ये बताना है, जेई के एग्जाम में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया है इसमें टांग के अगले भाग की हड्डी को नी कैप कहा जाता है, नी कैप को, या दूसरा दे दिया है कि पालिया कहते हैं, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि मैलस कहते हैं, या चौथा दे दिया है कंधे की हड्डी कहते हैं। दोस्त नी कैप को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा नी कैप को जो कहते हैं ना दोस्त वो कहते हैं पलिया, क्या कहते हैं पलिया, पलिया कहते हैं नी कैप को, कैसा होता है ध्यान दीजिए, ये नी कैप है, इसी को पलिया के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिए गौर से देख लीजिए, भूलिएगा मत। ठीक है, नी कैप को पलिया के नाम से भी जानते हैं, नी कैप को पलिया कहते हैं, तो ये चीजें है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि हमारी मांसपेशी में क्या होता है कि अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है हार्मोन की गति, हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है। ठीक है, ये है, ठीक है, ये कौन सा होता है ये मांसपेशी में, मांसपेशी में, ठीक है, जो क्या होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हृदय की गति को बढ़ा देता है। जैसे आप अगर दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ने के वक्त क्या होता होगा कि आपका दिल का धड़कन धक 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 करने लगता है, तो दिल की हृदय की गति क्या होता है कि बढ़ जाता है दौड़ने के बाद, या ज्यादा काम करने के बाद, ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद। क्यों? क्योंकि जब दौड़ते हैं या ज्यादा काम करते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब उस वक्त इनमें से कौन है जो ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए जो है एकदम तत्पर हो जाता है। ठीक है, हमारे मांसपेशी में अधिक जो है ऑक्सीजन पूर्ति करने के लिए आ जाता है, ये कौन सा हार्मोन इसमें है। ठीक है, वही हार्मोन पूरा करता है, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया हुआ है आपको, इंसुलिन है, दूसरा थायरोक्सिन है, तीसरा दे दिया है आपको कि एनिमल हार्मोन है, और चौथा दे दिया है कि एड्रेनालाइन है। तो दोस्त कौन सा है जो हमारे हृदय में ऑक्सीजन की जो है पूर्ति करती है। ठीक है, अगर हम ज्यादा काम कर ले, ज्यादा एक्सरसाइज कर ले तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का काम, दोस्त ये फोर्थ नंबर एड्रेनालाइन जो दिख रहा है ये फर्स्ट फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, एड्रेनालाइन। अब इसको कभी कभी पॉइंट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, पॉइंट क्या पूछा जाता है, पॉइंट ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन होता है जो फाइट एंड फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा एड्रेनालाइन को ही क्या कहते हैं कि फाइट एंड जो है फ्लाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखिएगा, एड्रेनालाइन को ही, समझ लीजिए इस चीज को, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि ज्वाइंट पर, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है। ठीक है, जहां ज्वाइंट होता है हड्डी की, वहां पे उस सतह पे क्या करता है कि कौन है जो इसमें से वो मुलायम करके रखता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, दे दिया है कार्टिलेज करता है,
या दूसरा टेंडन करता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि एरियोलर करता है, या चौथा दे दिया बंधन करता है, कौन है जो मुलायम करने का काम करता है? ठीक है, मुलायम करने का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका ये कार्टिलेज जो देख रहे हैं वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ज्वाइंट वाली जो हड्डी होती है उसकी सतह पर ये कार्टिलेज पाया जाता है, जो सतह को क्या करके रखता है, मुलायम करके रखता है। दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए, ये ज्वाइंट वाली भाग है, इसी पे कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है कि उसको मुलायम करके रखता है, स्मूथ बना करके रखता है। ठीक है, तो ये चीजें है, इसको समझते रहिए। अब समझ लीजिए इसमें कभी कभी कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, सिर्फ ज्वाइंट वाली भाग पे ही तो नहीं पाया जाता, ज्वाइंट वाली भाग पे ही पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट वाली भाग जहां भी होगी, जैसे कि नाक की हड्डी भी अगर ज्वाइंट हो रही है, वहां भी कान की हड्डी ज्वाइंट हो रही है, या अस्थि जहां पे ज्वाइंट हो रही है, हड्डी जो होती है जहां ज्वाइंट हो रही है, वो सभी जगह पे क्या होता है कि कार्टिलेज जो होता है वो बना होता है, और उसको मुलायम करने का काम करता है, मुलायम बना करके रखता है। तो ये चीजें है, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया कि डैश में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, सफेद फाइबर, तो किसमें जो होता है सबसे अधिक मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया कि स्नायु में, या उपास्थि में, या तीसरा आपको दे दिया है कि सिराओं में, या चौथा दे दिया कि हड्डी में। दोस्त किसमें पाया जाता है, सफेद फाइबर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्त सफेद फाइबर जो होता है ना, वो सिरा में पाया जाता है, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, सिराओं में सफेद फाइबर पाया जाता है, ये जान लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, किसमें, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछ दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ना, आपको बता रहे हैं, तो ये धागा की तरह होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि एक कंडरा, कंडरा कहने का मतलब कि टेंडन, किससे बनाया जाता है। ठीक है, किससे बनाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, दे दिया है केवल कोलेजन जो है फाइबर से बनाया जा सकता है, या आपको दे दिया है सेकेंड नंबर ऑप्शन दे दिया है कि अस्थिर संयोजक उत्तक से बनाए जा सकते हैं, या तीसरा आपको दे दिया है कि स्थिर संयोजक उत्तक फाइबर से बनाया जा सकता है, अच्छा फाइबर ही दे दिया, फाइबर से बनाया जा सकता है, या चौथा आपको दे दिया है कि स्थिर अस्थिर संयोजी फाइबर से बनता है, किससे बनता है एक जो है आपका कंडरा जो होता है इसको। तो ध्यान रखिएगा, ये कंडरा जो होता है ना दोस्त, टेंडन जो होता है, टेंडन क्या काम करता है पता है ना आपको, टेंडन क्या काम करता है, वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, तो वही इसमें कहता है कि कंडरा जो होता है, वो टेंडन जो होता है, वो किससे बनाया जाता है। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि केवल कोलेजन फाइबर से क्या होता है कि टेंडन बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि जो होता है सामान्य संचालन के लिए जो है आवश्यक होती है, कौन है जो थायराइड ग्रंथि के संचालन के लिए जरूरी होता है, बिना उसके संचालन नहीं हो सकता है, ये कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, आयोडीन होता है, या दूसरा आयरन होता है, या तीसरा पोटेशियम होता है, या चौथा आपको दे दिया है इसमें कैल्शियम होता है। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके संचालन के लिए, समान रूप से संचालन के लिए हमें उसमें क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। तो ये जो है फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। अब समझ लीजिए, इससे जो है इंपोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा इस इंपोर्टेंट पॉइंट को कि एक सामान्य मनुष्य में जो प्रतिदिन आयोडीन की जो मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो एक सामान्य मनुष्य में जो आयोडीन की मात्रा होती है वो 100 से 150 माइक्रोग्राम डेली चाहिए उसे, 100 से 150 माइक्रोग्राम, ग्राम नहीं, ध्यान रखिएगा, 100 ग्राम नमक खा जाइएगा आप, नहीं, डेली उतना जरूरत नहीं होती है, 100 से 150 माइक्रोग्राम होता है। लेकिन जो देखते हैं सब्जी में इतना नमक डालते हैं, बस उतना ही खा लेते हैं सब आदमी मिलकर के सब्जी में, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा अगर नमक आप खा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर का शिकायत हो सकता है आपको। तो ये कभी कभी जिनका ब्लड प्रेशर का शिकायत होता है उनको मना किया जाता है कि आप नमक ना खाइए, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ज्यादा नमक भी आपको हानि करेगा। दूसरा पॉइंट ये पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घेंगा रोग होता है, या कभी कभी दे देता है कि घेंगा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी से होती है, पूछा जाता है ये चीज। ध्यान रखिएगा, जो महिलाएं हैं उनको मैं बता देता हूं, अगर आप आयोडीन कम लेते हैं
तो आपको क्या है कि थोड़ी दिक्कतें होगी। दिक्कतें ये होगी कि हो सकता है कि जो ये आयोडीन की कमी से होती है वो गर्भपात हो सकता है, इसमें शारीरिक विकास में जो है रुकावट हो सकती है, विकलांगता है ये हो सकता है, मंद बुद्धि जो होता है ये, बौनापन जो होता है ये, तो ये सभी जो है कम मतलब होने की संभावना होती है किसके कमी से, आयोडीन की कमी से, ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखिएगा, हर जगह नहीं मिलेगा ये सब पॉइंट पढ़ने के लिए, ध्यान रखिए, दे रहे हैं उतना करके रखिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों के समन्वय गतिविधि है, ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। जंतु की जो होती है इसमें क्या होती है, गति होती है, वो तंत्र किस तंत्र के वजह से होती है इसमें ये बताना है। तो दोस्त ये देख लीजिए, आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो दिख रहा है ना कि क्या पेशीय कंकाल और तंत्रिका तंत्र, ये तीनों के वजह से क्या होती है कि जंतुओं में जो होती है वो गति होती है, ध्यान रखिएगा इस तीनों के वजह से। तो ये मेरा क्या होगा, फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो दोस्त ये 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कंकाल तंत्र से, ध्यान रखिएगा। तो दोस्त इसी तरह से क्या होते हैं कि डेली पर डे जो है आपको 5 से लेकर के शाम 5:30 बजे से लेकर के शाम 7 बजे के बीच जो है वीडियो आता है जिसमें 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट डाला होता है, मॉक टेस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आप मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं तो जाइए, बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है, जाकर के मॉक टेस्ट दीजिए। आज इस लिंक को डीएक्टिव कर दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट डे के लिए लिंक को एक्टिव किया जाएगा, कोई दूसरा मतलब नया मॉक टेस्ट दिया जाएगा, तो ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए आज जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, मैं आपको बताता हूं दोस्त, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए, जब एग्जाम होगा क्वेश्चन आएगा उस समय एनालाइज कराऊंगा आपको। चलिए बाकी आप खुद समझदार है, पढ़ने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहां से हमें फायदा हो रहा है, कहां से नुकसान हो रहा है, ठीक है। यही चीज अगर हम पैसे लेकर के कराते तो दोस्त पैसे देने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन हम पैसे लेकर नहीं करवा रहे हैं, आपको निःशुल्क करवा रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिए, कर लीजिए इस चीज को, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन रहता है, इसमें आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।